तो जय हिंद दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दरअसल पिछले काफी समय से दुनिया में चर्चाएं फैली हुई हैं कि ईरान रशिया को बड़ी मात्रा में अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सप्लाई कर रहा है और ईरान से रशिया को मिलने वाली ये मिसाइलें हजारों की संख्या में हैं और अब इन हजारों मिसाइलों के जरिए यूक्रेन पर ही हमले किए जा रहे हैं। अब ईरान की इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई को लेकर पश्चिमी देशों ने ईरान पर बड़े अटैक किए हैं, जिसमें अब अमेरिका, इजराइल और रशिया भी कूद गए हैं। अब इस पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर कैसे पश्चिमी देश ईरान पर अटैक कर रहे हैं और अब रशिया की क्या इन्वॉल्वमेंट है। उससे पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देख ही रहे हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए घंटा भी बजा दो और वीडियो पर लाइक, शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिएगा। दरअसल आपको बता दें कि ईरान रशिया को बड़े पैमाने पर अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को सप्लाई कर रहा है और इन मिसाइलों में ईरान की अबाबिल और ईरान की ही फतेह 360 बैलिस्टिक मिसाइल शामिल है। और आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि ये वही मिसाइल हैं जिन्हें ईरान ने इजराइल पर हमले के लिए इस्तेमाल किया था। हालांकि उस समय इजराइल ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर ईरान के इस हमले को पूरी तरीके से व्यर्थ कर दिया था। अब सवाल एक ये भी उठता है कि क्या ये मिसाइलें यूक्रेन में भी पूरी तरीके से फेल हो जाएंगे? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि यूक्रेन के पास इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जितने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के पास थे। इसलिए ईरान की मिसाइलों की तबाही तो यूक्रेन में देखने को मिलेगी। अब सबसे पहले आप लोग ये आर्टिकल देखिए जिसमें ये बात बिल्कुल साफ है कि रशियन शिप कैप्चर्ड इन सैटेलाइट इमेज डिलीवरिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स फ्रॉम ईरान, यानी कि रशिया के एक कार्गो शिप ईरान के पोर्ट पर उस समय सैटेलाइट इमेजों में आ गया जब ईरान से बैलिस्टिक मिसाइलों को रशिया ले जा रहा था। आपको बता दें कि ईरान अभी तक इन बातों से इंकार कर रहा था कि वो रशिया को किसी भी टाइप की मिसाइलें सप्लाई नहीं कर रहा है, लेकिन अब अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास ये पुख्ता सबूत है कि ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों को रशिया को सप्लाई कर रहा है। इसलिए अब अमेरिका और पश्चिमी देशों का एग्रेशन ईरान पर देखने को मिल रहा है और एक बार फिर से जर्मनी, फ्रांस और यूके ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। क्योंकि आप लोग खुद ही आर्टिकल देखिए जिसमें साफ है कि फ्रांस, जर्मनी, यूके कंडेम ईरान ओवर बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, यूके ने पहले तो ईरान की निंदा की और फिर ईरान को नए सैंक्शंस के लिए टारगेट किया और इन तीनों ही देशों की गवर्नमेंट ने जो सैंक्शंस ईरान पर लगाए हैं वो एयर सर्विस को लेकर लगाए हैं, क्योंकि इन तीनों ही देशों ने ईरान के साथ वायलेटरल एयर सर्विस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया है। यानी कि अब ईरान की कोई भी फ्लाइट इन तीनों ही देशों तक नहीं जाएगी और ईरान को एक बार फिर से अमेरिका और पश्चिमी देशों से लगातार धमकियां मिल रही हैं कि वो रशिया को बैलिस्टिक मिसाइलों की सप्लाई न करे। अब यहां पर एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर ईरान रशिया के साथ इतना बड़ा रिस्क ले क्यों रहा है, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी पहले से ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है और अब नए प्रतिबंधों की वजह से ईरान और भी बुरी कंडीशन में फंस सकता है। अब इसके पीछे का जो बड़ा रीजन है वो ये है, दरअसल ईरान जल्द ही एक न्यूक्लियर टेस्ट करने वाला है और इस टेस्ट में सबसे बड़ा हाथ रशिया का ही होगा, क्योंकि कुछ समय पहले रशिया ने ईरान को हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी देकर भी एक बड़ा गिफ्ट दिया था और अब ईरान के परमाणु टेस्ट में भी रशिया एक बड़ा रोल अदा करेगा। और यही नहीं, ईरान रशिया को जो मिसाइल सप्लाई कर रहा है उसके बदले में ईरान रशिया से एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद रहा है ताकि इजराइल और पश्चिमी देशों के हमलों को कहीं हद तक रोका जा सके, क्योंकि इस समय ईरान इजराइल और पश्चिमी देशों के साथ सामने से फाइट कर रहा है और अब देखना होगा कि पश्चिमी देश ईरान के इस न्यूक्लियर टेस्ट को रोक पाते हैं या फिर नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।